करप्शन ने 10,000 की रिश्वत लेते जल निगम के जेई को किया गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में मुरादाबाद की एंटी करप्शन की टीम ने जल निगम के जेई विजेंद्र सिंह को रंगे हाथ 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जेई को गिरफ्तार कर थाना अजीम नगर ले जाया गया है, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना अजीम नगर क्षेत्र के परचे गांव में पानी की टंकी के निर्माण चल रहा है, जिसमें ठेकेदार से जेई विजेंद्र किश्त रिलीज करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। तभी एंटी करप्शन की टीम ने पूरा जाल बिछाकर आरोपी रिश्वत खोर जेई को गिरफ्तार किया। बताइए ना, आरोप है ना आपके ऊपर, FIR हो रही है इसमें। बता रहा हूँ आपको, इसमें कुछ वर्क का पेमेंट हुआ था ना, तो वही इसके लिए बुलाया था कि थोड़ा तो लेबर का दे देना पैसे। तो मैं घर पे जा रहा था, इन्होंने दे दी पैसे मुझे, तभी इसी बीच में तो रिश्वत का पैसा लिया आपने। ये वर्क का पैसा है, रिश्वत का पैसा तो वो होता है कि किसी काम के बदले पैसे मांग रहे हो। ये तो पेमेंट हो चुका ना, तो उसमें पैसा कैसे है। लज्जाक है और मैं भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद इकाई में यूनिट प्रभारी हूँ। ये प्रकरण ये है कि ऋषिकांत नाम के व्यक्ति ने हमारे संगठन में आकर दिनांक 30/10/2019 को शिकायत किया था कि उसने जेई जल निगम रामपुर श्री विजेंद्र सिंह के देख रेख में लेबर वर्क कराया था, जिसमें उसका बिल पेमेंट कराने के लिए और बिल बनाने के लिए जेई द्वारा उससे 10,000 रुपये की मांग की जा रही थी। इस शिकायत की हमने गोपनीय रूप से जांच कराई तो ये जेई लेखपाल जेई जो विजेंद्र सिंह की छवि एक भ्रष्ट लोक सेवक की पाई गई, जिसके आधार पर तयशुदा दिनांक को आज 31/10/19 को ये त्राहा पूंजी चौकी है मुरसेना त्राहे पर मनीष की मिठाई वाले की दुकान पर बैठकर शिकायतकर्ता ने जेई विजेंद्र सिंह को रिश्वत दी, और जब दोनों का आदान प्रदान हो गया तो हम लोगों की टीम ने रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया, जेई विजेंद्र सिंह। अब क्या कार्रवाई हो रही है सर? अब इनके द्वारा इनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत थाना अजीम नगर में कराया जा रहा है।